सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वह गांव गांव जाकर लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। इसी कड़ी में वह रतिया पहुंचे, जहां उन्होंने कोर्ट परिसर में वकीलों के साथ संवाद किया। अशोक तंवर ने इस दौरान बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में तेजी से विकास का काम किया गया है, हर गरीब को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। जो दूसरे लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं साफ उनको हार दिखाई देती है। मोदी जी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन के सामने उनकी जिस तरीके की कार्यशैली रही, जितने बड़े उन्होंने काम किए उसकी चर्चा बहुत विस्तार से करने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर निर्माण से लेकर के 370 खत्म करना, महिलाओं के लिए 3 तलाक, जो मुस्लिम हमारी बहने प्रताड़ित होती थी उनके 3 तलाक खत्म कर देना, महिलाओं के रिजर्वेशन, नागरिक जो है हमारे जो विदेशों में मूल निवासी इस भारतवर्ष के थे, कोई अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, जो प्रताड़ित करते थे धर्म के आधार पर, उनको नागरिकता का प्रावधान कर दिया। करतारपुर साहब कॉरिडोर, वो रास्ते खोल दिए गए।